इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब चौतरफा कोरोना संक्रमण का संकट हो तो ऐसा क्यों है कि ये परिवार गाजीपुर की सड़कों पर बैठा है। ये बेबसी और गरीबी है जो इस परिवार को यहाँ तक खींच लाई है। इस तस्वीर में दिख रहा बच्चा भूखा था, पूरा परिवार भूखा था, अब नहीं है। इस तस्वीर में दिख रही प्रेग्नेंट औरत बेबस और लाचार थी, अब नहीं है। भला हो सिद्धार्थ सेवार्थ का जिनकी टीम ने इस परिवार के दर्द को देखा और फिर वही किया जो एक संवेदनशील इंसान को करना चाहिए था। ये मामला शास्त्री नगर चौराहे के पास का है। यहाँ ये परिवार दो दिनों से बैठा था। पति पत्नी के साथ दो छोटे बच्चे थे। औरत 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। जब टीम सिद्धार्थ को इस मामले की जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस के साथ आसपास के लोग भी मौजूद थे। लोगों ने ही कुछ खाने को दे रखा था। वहां मौजूद पुलिस इस परिवार को स्टेशन पर जाने को कह रही थी। ऐसे में टीम सिद्धार्थ ने इस गर्भवती महिला और उसके परिवार की कैसे मदद की, इसे खुद सिद्धार्थ से जानिए। हम लोग फतुल्लापुर थे, तभी सूचना मिली पुष्कर के द्वारा कि शास्त्री नगर चौराहे पर एक परिवार है, एक आदमी है, एक औरत है, उसके दो छोटे बच्चे हैं। और शायद उसने बताया जैसा पुष्कर ने कि उस औरत के पेट में भी एक 3-4 महीने का बच्चा है और वो लोग लगभग 2 दिन से शास्त्री नगर के आसपास भटक रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, इसलिए कि उनको शायद मदद चाहिए थी, उनको अपना इलाज कराना था और खाने पीने का राशन चाहिए था। पुष्कर ने देखा कि वो औरत एक छोटा बच्चा था अपनी गोदी में लेकर के और उसको पानी पिला रही थी। तो पुष्कर उसके पास गया और क्योंकि उसने बिछा रखा था वहाँ पे कपड़ा, तो उसने पूछा कि क्या बात है, यहाँ पर क्यों है। तो बताया कि हम लोग 2 दिन से यहाँ पर हैं और हमको खाने पीने की दिक्कत है, हमें खाना चाहिए था और अपना इलाज कराना था, आप देख सकते हैं हम कितने कमज़ोर हैं। तो पुष्कर ने देखा वो पानी पिला रही है, तो उसने बताया कि बच्चे को दूध पिलाना है लेकिन दूध नहीं है, इसलिए पानी पिला पिला कर उसको पाल रहे हैं। तो फिर पुष्कर ने मुझे बताया, तो हम लोग आए वहाँ पर और उसको राशन वगैरह उपलब्ध कराया। औरत सच में कमज़ोर थी, शायद उसके पेट में बच्चा भी था। दो डॉक्टर भी आए, उन्होंने वहाँ देखा, कुछ लोग और भी आए। और फिर हम लोगों ने सीएमओ साहब को फ़ोन करा, सीएमओ ने एम्बुलेंस भेजी और फिर हम लोगों ने राशन के साथ उनको गाड़ी में बैठा करके और चिकित्सालय भेज दिया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और शायद कल कुछ जांच भी होगी, उसके बाद जैसा होगा उस परिवार को उनके घर तक भेज दिया जाएगा। अभी आपने खुद सिद्धार्थ से इस पूरे मामले को जाना, आपने खुद देखा कि कैसे केवल अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाने से किसी की जान बच सकती है, किसी की जिंदगी संवर सकती है। सिद्धार्थ सेवात के मदद के बाद गर्भवती महिला अब महिला अस्पताल में है। महिला को उचित चिकित्सकीय सुविधाएं मिल रही हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि उपचार के बाद महिला के परिवार को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था भी करेंगे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।